हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दैट्स वाई वी आर कवरिंग इट एज अ सेपरेट सीरीज। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं जो कि मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूं, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, टू द लास्ट टॉपिक दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये सारे के सारे इश्यूज मैं इसमें कवर करने वाला हूं। मैंने रमेश सिंह जो बुक है, साथ ही साथ जितने भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो बुकलेट्स हैं, उन सब के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो सारे के सारे इसी एक वीडियो में कंबाइन कर दिए हैं। फाइन, और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर से यहां पर इश्यूज को कलर्ड किया है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जितने भी रेड वाले टॉपिक्स है वो लेक्चर वन में कवर होंगे, फिर जितने ब्लू वाले हैं वो लेक्चर थ्री में, फोर, फाइव, जिस मतलब डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लेक्चर चलेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 8 लेक्चर मैं यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इकोनॉमिक मतलब दैट मींस बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के। फाइन, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे ये पूरी की पूरी सीरीज कवर हो जाएगी, पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा हो, वो भी रमेश सिंह हो चाहे कोई भी कैसी भी बुक हो, बस आपको उस बुक को एक बार रीड मार लेना और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो पीपीटीज हैं ये आपका नोट्स वाला काम कर देंगे, या फिर आप मतलब जैसे मेरे लेक्चर सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हैंड रिटन नोट्स अपने मतलब देखते देखते इसे बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद दिस सीरीज। तो उसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इट इज एक्चुअली एपेक्स अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब एपेक्स अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग इन इंडिया का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया में कुछ भी बैंकिंग का काम होगा या कोई भी बैंक कोई भी काम करेगा, कैसी भी मतलब नया इनिशिएटिव लेगा, वो विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब उसे मतलब यहां पर आप कह सकते हैं जैसे कि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है। ठीक है, यहां पर बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी है बैंकिंग की। फाइन, अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था। देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 पास करती है इंडियन पार्लियामेंट में, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली 1935 फर्स्ट ऑफ अप्रैल को हमारे यहाँ आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो अभी तो ठीक है, अभी तो इस टाइम पे हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स इशू कर देता है, फॉरेक्स को रिजर्व करके रखता है एंड ऑल दीज थिंग्स, और जितना भी बैंकिंग रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बट 1935 से पहले क्या ब्रिटिशर्स को जरूरत नहीं होती होगी इंडिया में नोट्स इशू करने के लिए, या कुछ फॉरेक्स या कुछ मेंटेन करने के लिए, या फिर कुछ भी बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए? जी हाँ, होती थी। लेकिन उस टाइम पे जो फंक्शन था दैट वाज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, दैट फंक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है इसको हम थोड़ा सा यहीं पर रहने देते हैं और आगे मूव करते हैं, और फिर मैं आपको बिल्कुल बस 3 स्लाइड्स के बाद बताऊंगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था, वो कैसे आरबीआई के फंक्शन परफॉर्म करता था और वो क्यों करता था, उसकी जगह आरबीआई पहले क्यों नहीं लाया गया, ये सब हम आगे आने वाली 4 से 5 स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। फाइन, और जो आरबीआई है, फिर आरबीआई को क्या किया गया कि आप सब जानते हैं 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, फिर 1949 में इंडियन पार्लियामेंट में एक और लॉ पास किया जाता है जिसका नाम था आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949। ठीक है, इस एक्ट में क्या लिखा था कि जो आरबीआई था, अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, दैट वॉज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसमें लिखा था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसे लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब ये जो हमारा पूरा इशू है वो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सौंपा जा रहा है। और फाइनली फिर जो हमारा आरबीआई है वो काम करने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं इतनी छोटी सी चीज अभी समझ में आएगी, हल्का सा बैकग्राउंड मिला होगा कि आरबीआई कैसे बना और कैसे काम करता था। फाइन, अब हम आगे आते हैं कि आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ आरबीआई का स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि आरबीआई में कितने मेंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर उसके नीचे दो अलग से डेप्यूटी मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वही यूपीएससी में 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। फाइन, तो वैसे स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई क्या होता है, तो आरबीआई के स्ट्रक्चर में अगर आप पीक पे देखेंगे, ठीक है, हायरार्की पे जाएंगे तो आरबीआई के पीक में हमें मिलते हैं आरबीआई गवर्नर। ठीक है, और फिर उनके नीचे रहते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर, जिन्हें हम बोलते हैं 4, दैट मींस आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स। फाइन, और इन चारों की पावर इक्वल रहती है, लेकिन आरबीआई गवर्नर की पावर इन चारों से ज्यादा रहती है। ठीक है, यहाँ पर ईसी जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हायरार्की के अकॉर्डिंगली आरबीआई गवर्नर की पावर ज्यादा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, वो फैक्ट्स ये हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें मेंशन करना सही समझा, बिकॉज आई वॉन्ट
कि आपके साथ आपकी यूपीएससी के साथ साथ ही साथ थोड़ी बहुत दैट मीन्स अलग जो स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन होते जाए। तो पहले जो आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे जो 1935 में बने थे, वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे, वो थे सी डी देशमुख, आप जानते होंगे, आपने फ्रीडम स्ट्रगल में इनका नाम सुना होगा। और फाइनली एट प्रेजेंट जो आरबीआई गवर्नर है ही इज नन अदर देन सर उर्जित पटेल, ठीक है। अब हम आते हैं आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर। देखिए आरबीआई के दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल फंक्शन और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन। अब ट्रेडिशनल फंक्शन ऐसा मतलब क्या कि मतलब कोई आरबीआई मतलब बाबा अकबर का काम कर रहा है या फिर बाबा हुमायूं का काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि जो फंक्शन आरबीआई दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए परफॉर्म करती थी, वही फंक्शन जो आरबीआई आज से 50 साल पहले परफॉर्म करती थी, वही फंक्शन जो आरबीआई आज से 70 साल बाद भी परफॉर्म करेगी, उन्हें हम ट्रेडिशनल फंक्शन कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये कि ये फंक्शंस आरबीआई को एज अ आरबीआई मिले, मतलब एज अ बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिले हैं, और ये फंक्शन आरबीआई के पास हमेशा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल नोट्स प्रिंट करना, ठीक है, जो हमारे पास रुपी रहती है उसको प्रिंट करने का फंक्शन किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो पहले भी आरबीआई के पास था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी आरबीआई प्रिंट करती थी, अभी भी आरबीआई प्रिंट करती है, आगे भी आरबीआई प्रिंट करेगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन। अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं आरबीआई के ट्रेडिशनल फंक्शन, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। फिर हम आते हैं कि इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है आरबीआई का, वो है नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन। अब नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन क्या होते हैं, इसका मतलब ये वो फंक्शन जो कि आरबीआई के पास टाइम टू टाइम आते हैं और फिर टाइम टू टाइम चले जाते हैं, मतलब आया गया आया राम गया राम, समथिंग लाइक दैट। मतलब ये कि जब इशू अरोज होगा, जब इशू लाइमलाइट में आएगा सिर्फ तभी ये आरबीआई को फंक्शन सौंपे जाएंगे, और जैसे ही वो इशू कंप्लीट हो जाएगा देन दोज फंक्शन विल बी टेकन बैक बाय आरबीआई। अगर नहीं समझ में आया तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर आप फंक्शन देखें आरबीआई के आसपास 1960 से चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसे दिया नहीं गया था, लेकिन अभी पिछले 2008 या 9 से आरबीआई को मतलब फुल फ्लेजेडली फाइनेंशियल इंक्लूजन का फंक्शन दे दिया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि जितने भी लोग इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर जितनी भी नई योजना है, और फिर आरबीआई के नए नए नॉर्म्स की जीरो दैट मीन्स जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलो, सारे मतलब प्राइवेट बैंक्स भी इसी गाइडलाइन दी, ठीक है। ये सब जो फंक्शन है ये नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ही अगर आप देखेंगे इंडिया में कि ये जो नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ये जो मोटो है आरबीआई द्वारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आरबीआई मतलब इसको मतलब आरबीआई को फंक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ये फंक्शन आरबीआई से दोबारा छीन लिया जाएगा। मतलब वो फंक्शन जो आरबीआई को दिए जाते हैं फिर टाइम टू टाइम ले भी लिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि आरबीआई के ट्रेडिशनल फंक्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल फंक्शन तो यह है कि आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 29 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, नॉट एग्जांपल इट इज 29 स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन सबके अकाउंट्स रहते हैं आरबीआई के साथ। अब जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट को, फॉर एग्जाम्पल बिहार को कभी ज्यादा रेवेन्यू हासिल हो गया, तो उस रेवेन्यू को बिहार की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आरबीआई के पास रख सकती है, और वही जो आरबीआई के पास पैसा आएगा वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दे सकती है, और फिर उस पर कुछ ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बिहार गवर्नमेंट को दोबारा वापस मिल जाएगा। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट के क्लाइंट्स बन जाते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट, 29 गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी, तो इसी को हम बोलते हैं इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसलिए कहा जाता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। फिर इट इज ऑल्सो बैंकर टू द बैंक्स। आप जानते हैं आरबीआई को कहा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब ये कि अगर बैंक्स को लोन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है तो आखिरी में लोन कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज आरबीआई। मतलब आरबीआई एक्ट्स एज बैंक फॉर बैंक्स फॉर दैट मींस आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंक फॉर बैंक्स आल्सो। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन आस्क फॉर द मनी फ्रॉम दिस आरबीआई, फाइन। इसके बाद आरबीआई साथ ही साथ पूरे के पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और साथ ही साथ कुछ कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज को भी कंट्रोल करता है। अभी जो कंट्रोल है ये कंट्रोल कैसे करता है, आरबीआई एक्चुअली क्या करता है, रूल्स बनाता है बैंक्स के लिए जो कि बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर बैंक्स फॉलो ना करे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लग सकती है। फॉर एग्जांपल अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि बंधन बैंक के ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई थी कि उसने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। सो कुछ इस तरीके से आरबीआई पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए कोई भी शेड्यूल बैंक है उसको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि अगर आपको अपनी ये जो बैंक्स की रैशनलाइजेशन है
ठीक है। बैंक्स की रेशनलाइजेशन मतलब जो ब्रांचेस की रेशनलाइजेशन है वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप 25% ऑफ द ब्रांचेस रूरल एरिया में ना खोल दें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी शेड्यूल बैंक ने अपनी 25% ब्रांचेस दैट मीन्स वहां पर खोल दिए रूरल एरिया में, तो देन उसके बाद उसे आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पर भी ब्रांचेस खोल सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की गाइडलाइन है जो मैंने आपको बताई कि इस तरीके की बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में या फिर आगे आने वाले लेक्चर में जरूर बताऊंगा। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आरबीआई का कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आपने भी काफी लाइमलाइट में सुना होगा कि ये जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने इस वक्त मतलब ये जो रेपो रेट थे उसको टाइट ही रखा है, मतलब उसे और भी मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट बढ़ाएगी, लेकिन दैट मीन्स उर्जित पटेल ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। फाइन, ये मॉनेटरी पॉलिसी एक अलग टॉपिक है, इफ आई विल गेट अ चांस तो आई विल टीच यू इन दैट मींस इन अपकमिंग लेक्चर्स। फाइन, इसके बाद आरबीआई फॉरेक्स को भी कंट्रोल करती है। फॉरेक्स मतलब कि जितनी भी फॉरेन करेंसी है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा हमारे पास 400 बिलियन डॉलर की करेंसी है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप मतलब ऐसा क्लेम मत करिएगा कि मैंने 400 बिलियन डॉलर बोली थी, ये बढ़ती कम रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कि आरबीआई नोट्स इश्यू करती है, मतलब करेंसी प्रिंट करती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा आरबीआई सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की ऊपर की करेंसी प्रिंट करती है, मतलब 2 रुपए से लेके दैट मीन्स 10,000 रुपीज तक आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि जो आरबीआई है, अगर आपने देखा होगा कि जो 1 रुपए का नोट रहता है उसमें हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन रहते हैं। अब वो इसलिए फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन रहते हैं बिकॉज दैट नोट इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 1 रुपए का नोट आरबीआई के द्वारा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, एंड इट इज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और जितने भी कॉइन्स हैं दैट इज ऑल्सो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोज आर नॉट इशूड बाय दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी कॉइन्स होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो सर्कुलेशन की जिम्मेदारी रहती है भले वो 1 रुपए का नोट हो चाहे जितने भी कॉइन्स हो, दोस आर सर्कुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा बिकॉज बहुत सारे स्टेट पीएससी से पूछा जा चुका है, चाहे तो पिछले इकोनॉमिक्स के पेपर उठा के देख सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि एक साल में आरबीआई कितना पैसा खर्च मतलब कितना पैसा प्रिंट कर सकती है। एक चीज मैं आपको एक और बता देता हूं कि आरबीआई का जो एक साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक नहीं होता है, ठीक है, उसका एक अलग फाइनेंशियल ईयर होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइन, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आरबीआई जो मैक्सिमम नोट इशू कर सकता है, मतलब कितने रुपए का मैक्सिमम नोट इशू कर सकता है, अभी तो 2,000 रुपए का नोट इशू करके रखा है, जो मैक्सिमम नोट इशू आरबीआई कर सकता है वो 10,000 रुपीज का है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि 10,000 रुपीज का नोट इंडिया में भी चलता था, ठीक है, 1977 से पहले, ठीक है, 1977 से पहले इंडिया में 10,000 रुपीज का नोट यूज किया जाता था। और इंडिया में आप जानते 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, पहला तो आपने जो थर्ड वाला सुना होगा वो 8 नवंबर को किया गया था, और जो दूसरा डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो 1977 में किया गया था अंडर द जनता गवर्नमेंट। आप सब जानते हैं 1977 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट खत्म हो गई थी और जनता गवर्नमेंट पावर में आई थी, तो उन्होंने 10,000 रुपए का नोट था उसे डिमोनेटाइज किया था। और पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1947 में, जो हमने ब्रिटिश करेंसी थी उसको हटा के अपनी इंडियन करेंसी लाई थी। फाइन, और एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है आरबीआई का, उसमें आरबीआई 10,000 करोड़ रुपीज प्रिंट कर सकती है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। देखिए, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि आरबीआई सिर्फ 10,000 करोड़ ही प्रिंट क्यों कर सकती है और प्रिंट क्यों नहीं कर सकती, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो पैसा डूब गया तो मतलब लोगों की क्या गारंटी, हम तो मतलब पैसे ले रहे हैं तो फिर कहां से आरबीआई हमें पैसा ला के देगी अगर पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई। तो उसके लिए एक्चुअली एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये होता है कि आरबीआई को ना अपने बैकलॉग में मतलब जितनी भी यहाँ पर साल में कितनी करेंसी प्रिंट कर रही है 10,000 करोड़, तो इस करेंसी को प्रिंट करने के लिए उसे बैकलॉग में कुछ अमाउंट रखनी पड़ती है जो कि इस टाइम पे प्रेजेंटली है 200 करोड़। ये चेंज होती रहती है, मे बी जब दैट मीन्स अगर आप आरबीआई की दैट मीन्स और भी अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने देखा तो उन्होंने कुछ लोगों ने 185 करोड़ लिखा है, किसी लोगों ने 150 करोड़ लिखा है, लेकिन इसलिए मैंने आरबीआई की दैट मीन्स वेबसाइट पे गया, वहां पर चेक किया, इट इज एक्चुअली 200 करोड़। ठीक है, तो ये डेटा सही है, आप जाके देख सकते हैं, एंड दिस डेटा इज नॉट गोइंग टू चेंज जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आएगी।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मींस कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही दैट मींस दिस डिजिट कैन बी चेंज्ड। तो आप टेंशन मत लीजिए, 200 करोड़ इज अ राइट प्राइस। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप इसी प्राइस के साथ जाइएगा, अगर आपको डाउट हो तो आप आरबीआई की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया को 200 करोड़ रुपए, दैट मींस आरबीआई को 200 करोड़ रुपए पीछे रखने पड़ते हैं इन 10,000 करोड़ को छापने में, ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होता है और 85 करोड़ की हार्ड करेंसी आरबीआई को रखनी पड़ती है। फाइन, इसके बाद ही आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए साल में प्रिंट कर सकती है। और एक और इसी के साथ साथ सिस्टम चलता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। देखिए, इस सिस्टम में आपने देखा कि आप 200 करोड़ रुपए रख लो, इसके बाद पूरे मतलब 10,000 करोड़ छाप डालो। लेकिन प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या रहता है कि मतलब जो कंट्रीज होती है, जो लोग ये प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यूज करती है, उनमें ये ऐसा रहता है कि अगर आप जैसे जैसे करेंसी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको अपना बैकलॉग बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अभी आपकी पूरी इकोनॉमी में 5,000 करोड़ रुपए हैं, फिर आप मान लीजिए 10 साल बाद 6,000 करोड़ आ गए, तो आपको अपना जो पीछे का रिजर्व है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अपने यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है सर, आपने 200 करोड़ रख देने हैं और 10,000 करोड़ छाप देने हैं, ठीक है। ये सिस्टम इसलिए काफी, दैट मींस आप समझ सकते हैं, काफी बहुत ही महंगा सिस्टम प्रूव होता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री में डिप्रेशन की कंडीशन आ गई तो उस टाइम पे उन लोग को अगर मनी बढ़ानी है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, बहुत नोट्स प्रिंट करने पड़ते होंगे, तो अलग से उनको बार बार अमेंडमेंट करनी पड़ती होगी उनके जो एक्ट रहते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसलिए इसे सही नहीं समझा गया, और मे बी इसे पहले यूएसए के द्वारा यूज किया जाता था, ठीक है, यूएसए यूके के द्वारा यूज किया जाता था, बट अब यूएसए ने भी सिस्टम को हटा दिया। यूएसए भी एक्चुअली मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आ चुका है। ये तो ये था मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक माने वाले हैं उसे बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। देखिए, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आजकल के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था, लास्ट आपने प्रीलिम्स में देखा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया वाला जो पार्ट है इस चैप्टर में, मतलब इस सीरीज में इंक्लूड करने का सोचा, ठीक है। इसलिए आप ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा और काफी स्टेट पीएससी में भी आपको हेल्प मिलने वाली है। फाइन, तो चलिए चालू करते हैं। तो पहला जो बैंक था इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था वो 1770 में स्टैब्लिश किया गया था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये ज्यादा बैंक चल नहीं पाया, बहुत ही जल्दी कोलैप्स कर गया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक स्टैब्लिश किए। कहाँ कहाँ स्टैब्लिश करेगी? वो अपनी प्रेसिडेंसीज में स्टैब्लिश करेगी और कहीं नहीं। तो कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? बंगाल, बॉम्बे और मैड्रास। उसी के अकॉर्डिंगली उसने ये 3 बैंक को स्टैब्लिश किया अपनी डिफरेंट प्रेसिडेंसीज में। इसके बाद 1865 में एक और बैंक स्टैब्लिश किया जाता है, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अभी मैं बैंक के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज इलाहाबाद बैंक सिर्फ एकमात्र ऐसा बैंक है, ठीक है, जो अभी तक सेम नेम, सबसे पुराना ऐसा बैंक है जो कि अभी तक सेम नेम से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अभी मतलब और भी बाद में बैंक खुले जो सेम नेम से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो इलाहाबाद बैंक है ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बैंक है जो कि सेम नेम से अभी तक ऑपरेट कर रहा है, मतलब टिल डेट। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में नहीं, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बैंक आता है वो अवध कमर्शियल बैंक है। ये एक्चुअली अवध मतलब ब्रिटिशर देवर एक्चुअली फूल गवार, उन्हें बोलते नहीं आता था, सो उन्होंने अवध को अवध बोला, ठीक है। तो अवध कमर्शियल बैंक स्टैब्लिश किया गया था, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहला जॉइंट सेक्टर बैंक था। जॉइंट सेक्टर बैंक का मतलब होता है कि जितने भी अभी तक बैंक्स खोले गए थे वो सिंगल बंदे के द्वारा खोले गए थे, अभी इसमें बहुत सारे लोगों के शेयर लगे थे। फाइन, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपने पढ़ा होगा 1600 में चार्टर मिला था एंड इट वॉज द शेयर होल्डिंग कंपनी एंड ऑल दैट, ठीक है। वैसे जॉइंट सेक्टर बैंक अवध कमर्शियल बैंक ऐसा पहला बैंक था। और फिर 1894 में पहला ऐसा बैंक था पीएनबी जिसे कि इंडियन कैपिटल से ओपन किया गया। मतलब अभी तक आप जितने भी बैंक देख सकते हैं सब में ब्रिटिश मनी लगा था, मतलब अंग्रेजों का पैसा लगा था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का पैसा लगा था, ठीक है। मैम ने आपको बताया था कि आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, क्या था, ठीक है। देखिए, आपने यहाँ पर 3 बैंक देखे, यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मैड्रास। मैंने आपको सब बैंक्स के बारे में बताया, जितने भी बैंक बताए कि अभी क्या कौन सा ओल्ड सर्वाइविंग है या फिर कौन सा इंडियन कैपिटल से था, चल रहा है नहीं चल रहा है, यहाँ तक मैंने आपको यही बताया कि ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलैप्स कर गया था, लेकिन इन बैंक्स के बारे में नहीं बताया। देखिए, इन बैंक्स को क्या क्या किया जाता है, दैट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया जाता है और इसको नाम दे दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया जाता है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के सारे फंक्शन परफॉर्म करती थी, ठीक है। जितने भी नोट्स इश्यू करने थे या फिर बैंक को रेगुलेट करना था, क्योंकि उस टाइम पे तो बैंक सिस्टम था ना इंडिया में, जितना भी रेगुलेशन था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता था। और अगर आपको ये बिल्डिंग याद आ रही हो तो आपने दिल्ली में देखी होगी, या इट इज एक्चुअली बिल्डिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप समझ गए होंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है, जिसका नाम था एसबीआई एक्ट 1955। और उसी के साथ साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये सेम बिल्डिंग अभी तक चल रही है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग एक इंपॉर्टेंस है अभी भी प्रेजेंट में। और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 7 एसोसिएट्स भी दिए गए थे कि मतलब अच्छे से वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर सके। और ये सारे के सारे एसोसिएट्स थे, आपको ये नाम पता नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं पता होना चाहिए, इट इज अ फैक्ट, इट कैन बी आस्क्ड। ये इसलिए नहीं पता होना चाहिए बिकॉज 2008 में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र बैंक जो था उसे मर्ज कर दिया एसबीआई के साथ, फिर इंदौर को मर्ज कर दिया 2010 में, और फिर फाइनली 1 अप्रैल 2017 में जो जितने भी 5 एसोसिएट्स आप देख रहे हैं, ये जो आप 5 एसोसिएट देख रहे थे, इन सबको भी मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया गया था एसबीआई के साथ। और एक चीज और, ये क्यों किया गया था, इट इज ऑन दी नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेशन, ठीक है। 1991 में नरसिम्हम साहब थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ये आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें कुछ बैंक्स को एज अ ग्लोबल बैंक प्रमोट करना चाहिए। आपने न्यूज में सुना भी होगा, 6 से 8 महीने पहले बहुत बात थी कि ग्लोबल बैंक मे बी आरएसटीवी में कुछ डिबेट्स भी आए थे उसके ऊपर। तो उसी की रिकमेंडेशन पे ये सब 2017 में उन्होंने रिकमेंडेशन 1991 में दी थी, और 2017 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट किया इसके ऊपर और ग्लोबल बैंक को प्रमोट करने की बात की, दैट विल बी एसबीआई, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ और बैंक के बारे में सुना होगा इंडिया में, जिसे हम कहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। अब ये नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक वो होते हैं जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहते हैं, अगर उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब कि जितने भी प्राइवेट चीजें हैं अगर उसको सरकार अपने हाथ में ले ले। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया में, मतलब दैट मींस सोवियत यूनियन में 1917 में जो लेनिन ने किया था, उसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है। मतलब प्राइवेट चीजों को पब्लिक चीजों में कन्वर्ट कर देना, मतलब कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, उसे हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन करने की जरूरत क्या थी, देखिए अपने इंडिया में क्या था, जब अपन को आजादी मिली 1947 में, जितने भी बैंक्स थे, ठीक है, सारे के सारे बैंक्स प्राइवेटली ओन्ड थे, सारे के सारे। और सब में बहुत ही बेकार तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज चलती थी। मतलब क्या करते थे कि वो लोग लोगों का पैसा ले लिया करते थे, अपने आपको बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करके पैसा खा जाया करते थे। इस टाइप की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी चलती थी, और जिससे क्या होता था कि जो कस्टमर्स थे उनका ट्रस्ट टूटता था बैंक से। मतलब जो और भी मिडिल क्लास लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे बैंक में, उनका ट्रस्ट टूट जाया करता था। और साथ ही साथ जो मेजर बैंक्स थे वो अर्बन एरियाज में थे, जो बॉम्बे और मद्रास, यहाँ जितने भी अर्बन एरियाज थे वहीं पर बस अवेलेबल थे, और सिर्फ अपर क्लास के हाथ में थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास को उनका फायदा मिलता था, हर सस्ते में लोन मिलता था, ये सब मतलब बकवास की चीजें, जितनी भी फायदे की मिलती थी वो सब सिर्फ और सिर्फ अपर क्लासेस को ही मिलती थी। और जो मासेस को क्या रहता था कि जो जब भी उनको लोन की जरूरत रहती थी, उनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था, और वहां पर वो 24-25% ब्याज लिया करता था। दैट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ गवर्नमेंट चाहती थी कि बैंक को बढ़ाया जाए जिससे कि इन सबको भी फायदा हो। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया, आप यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज दे सकते हैं कि 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। 1969 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट में, और उसके अकॉर्डिंगली 50 करोड़ के 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया। और फिर इन द सेम वे 1980 में भी 6 और बैंक्स को, दोज वर्थ ऑफ 200 करोड़, दे वर नेशनलाइज्ड, ठीक है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि हमारे पास अभी 20 नेशनलाइज्ड बैंक होने चाहिए, बट इट इज नॉट सो। एक्चुअली क्या होता है, 1993 में एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया रहता है, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। बैंकरप्ट होने की वजह से उसे पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो अगर हम टोटल बैंक्स में इंडिया की बात करें तो हमारे पास 19 नेशनलाइज्ड बैंक है, एक एसबीआई बैंक है। अब देखिए एसबीआई बैंक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने फोर्सफुली एक्वायर नहीं किया, मतलब फोर्स मतलब इट मींस अलग से एसबीआई के लिए एक एक्ट पास किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक था, उसे अलग से एसबीआई एक्ट पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लाया गया, ठीक है। इसलिए उसे नेशनलाइज्ड बैंक नहीं मानते हैं। हमारे पास 19 नेशनलाइज्ड बैंक है, वैसे 20 होने चाहिए, लेकिन 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया बैंकरप्ट हो गया था। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, 19 नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, एक एसबीआई हो गया, एक आरबीआई हो गया, ठीक है। और एक और बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, जिसका नाम है आईडीबीआई। अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि LIC ने इसके मेजर स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं या करने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट ने मतलब परमिशन दे दी है, तो दैट विल बी एक्वायर्ड वेरी सून। अब देखिए IDBI क्या है, इसका फुल फॉर्म है दैट मींस आपके पास अगर उसकी बुक हो, बुकलेट हो या पासबुक हो, तो आपने पढ़ा होगा इट इज IDBI बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप बाकी जो बुक्स देखते हैं, चेक बुक्स देखते हैं बाकी बैंक की, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक जिसमें लिखा रहता है पंजाब नेशनल बैंक, उसमें PNB नहीं लिखा रहता,
ऐसी SBI में लिखा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन IDBI में IDBI क्यों लगता है? देखिए IDBI बैंक को स्टैब्लिश किया गया था दैट मींस टू गिव लोन टू दैट मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका फुल फॉर्म इसलिए है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन फिर फाइनली जिसे IDBI बोलने लगा और उसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस इंडस्ट्रियल लोगों को बस लोन देना नहीं रह गया, तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका ये जो वाला पुराना नाम था उसको खत्म कर दिया और IDBI इसको फुल रेजिडेंट नाम दे दिया, इसलिए इसे IDBI बैंक ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा हमारे पास 19 नेशनलाइज्ड बैंक है, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसे नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं और इसे पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं और इसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंक दैट मींस RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना हमने कवर कर लिया और फिर फाइनली हम देख लेते हैं कि बैंक्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हमारे पास कितने टाइप के नंबर ऑफ बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं 19 और पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं 2 और फिर हमारे पास एक रेगुलेटर है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइन। और इसके बाद हम फाइनली हम बैंक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक, दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि RBI एक्ट 1934 के अंदर एक सेकंड शेड्यूल है, आप सबने पढ़ा होगा शेड्यूल के बारे में, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, वैसे RBI एक्ट के अंदर भी एक शेड्यूल है, ठीक है। बहुत सारे शेड्यूल है, उसमें सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक्स रजिस्टर हैं, ठीक है, जितने भी बैंक्स के आप नाम देखेंगे उसे शेड्यूल बैंक कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं PNB, आप RBI 1934 डालिएगा, उसमें सेकंड शेड्यूल चाहिएगा, वहां पर आप लिस्ट देखिएगा, वहां पर आपको सारे के सारे जितने भी रजिस्टर्ड बैंक हैं उन सबका नाम मिल जाएगा, ठीक है। जितनों के भी वहां पर नाम होंगे उसे हम बोलेंगे शेड्यूल बैंक। अब देखिए शेड्यूल बैंक क्या रहते हैं कि शेड्यूल बैंक को मतलब वहां पर जो भी शेड्यूल बैंक एज ए रजिस्टर हो जाता है तो इसको RBI की गाइडलाइंस माननी ही पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मॉनेटरी पॉलिसीज एंड ऑल दीज, जो भी टाइम टू टाइम RBI गाइडलाइंस है वो आपको माननी पड़ेगी। और उसके सपोर्ट में क्या मिलता है, मतलब हम अगर आपकी गाइडलाइंस माने तो हमें तो कुछ मिलना चाहिए, आपको उससे सपोर्ट मिलता है मॉनेटरी सपोर्ट, मतलब कि अगर आपको कभी भी लोन की जरूरत हो आप हमसे मांग सकते हैं। और इस तरह का जो लिस्ट है सेकंड शेड्यूल की जो लिस्ट है वो डायनेमिक इन नेचर है, डायनेमिक इन नेचर है मतलब ये कि इसे कभी भी चेंज किया जा सकता है, मतलब कि हो सकता है कि कल PNB हट जाए तो शेड्यूल वो जो सेकंड शेड्यूल बैंक लिस्ट है उसको मतलब दोबारा चेंज किया जाएगा और से PNB का नाम हटा दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है लिस्ट इज डायनेमिक। और फिर दूसरे बैंक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक्स ये RBI के द्वारा खोले नहीं जाते हैं, RBI इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर आपके पास आप जिस भी बैंक के कस्टमर हो आप सेकंड शेड्यूल में जाकर उसकी लिस्ट देखिए, अगर वो लिस्ट में है तो ठीक है तो RBI उसकी गारंटी लेगी, लेकिन अगर वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है तो RBI उसकी गारंटी नहीं लेगी, मतलब रोज खुलते हैं रोज बंद होते हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक तक पूरा पढ़ लिया है, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, क्या नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, फिर क्या पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं दैट इज SBI एंड IDBI, फिर रेगुलेटरी बैंक क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, RRBs क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, एंड दैट ऑल विल बी स्टडिंग इन द अपकमिंग लेक्चर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, इन सेकंड लेक्चर वी विल कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा था, 30 मिनट्स का था, बट स्टिल ये पहला लेक्चर था और काफी कंटेंट कवर करना था हिस्टोरिकली, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया। अब अगले लेक्चर आई विल ट्राई कि वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के ही हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।